हेलो पीपल, इट्स मीशा। थैंक यू सो मच फॉर क्लिकिंग ऑन दिस वीडियो एंड स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस अपकमिंग आमिर खान मूवी जिसका नाम है लाल सिंह चड्ढा। बहुत टाइम से नाम सुन रहे हैं इस मूवी का। ये मूवी काफ़ी बार डिले हो गई ऑब्वियसली ड्यू टू कोविड, एंड दिस इज ऑफिशियल रीमेक ऑफ फॉरेस्ट गंप जो 1994 में मूवी आई थी, स्टारिंग टॉम हैंक्स। अमेजिंग मूवी, अमेजिंग एक्टिंग, एंड इट्स टॉम हैंक्स, कम ऑन, फैबुलस। जो खुद 1986 के एक नॉवल से बेस्ड है, फॉरेस्ट गंप ऑफकोर्स उसका नॉवल का भी नाम था। अब ये लाल सिंह चड्ढा आ रही है, इट्स एन आमिर खान मूवी, और जब कभी मूवी के आगे मूवी से पहले आमिर खान लगता है ना, आमिर खान मूवी, एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, बिकॉज आमिर खान इज एट दैट लेवल, दैट इज आमिर खान, ही इज ह्यूज, ही इज फैबुलस, ही नोज हाउ टू क्रिएट अ सिनेमा। वो यू नो, जो लास्ट मूवी थी आमिर खान की, दैट वाज अ ह्यूज डिजास्टर, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, मैंने मूवी देखी थी एंड इट वॉज सरप्राइजिंग फॉर मी दैट यू नो वाई आमिर खान वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि ये हो गया रहा है फिल्म में। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कुछ ऐसी मूवीज देखे, कुछ ऐसे शॉर्ट्स देखे कि क्या ये शूट करने के बाद जब मॉनिटर पे सीन देखते हैं दोबारा तो नहीं लगता नहीं कि क्या वाहियात हुआ है ये। बट आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, क्या फूक रखा था सब लोगों ने टग्स ऑफ हिंदुस्तान में, लेकिन दैट मूवी वॉज हॉरिबल। उससे पहले सीक्रेट सुपरस्टार वॉज प्रीटी कूल, दंगल वॉज फैबुलस। सो नाउ इट्स लाल सिंह चड्ढा, इसमें करीना कपूर है, आमिर खान है, फॉरेस्ट गंप का ऑफिशियल रीमेक, अडेप्टेशन, कॉपी, जो बोलना है बोल सकते हैं। बट आई नो दिस, इफ इट्स आमिर खान आई हैव ह्यूज एक्सपेक्टेशन एंड आई हैव फेथ कि हाँ यार अच्छा सिनेमा देखने को मिलेगा, ही इज वन ऑफ द बेस्ट। सो लेट्स जंप राइट इनटू इट। सो लाल सिंह चड्ढा ऑफिशियल ट्रेलर, इट्स 2 मिनट्स एंड 45 सेकंड्स लॉन्ग, हियर वी गो। जो भी होंगा वो हम कर दे या फिर हम हवा विच ऐवें ही उड़ते फिर दे यहां से वहां। I look at him and there's a smile on my face. तुम्हारे पैर को क्या हुआ? कुछ भी नहीं, मैं तो बिल्कुल चंगा हूँ। कहाँ रहते हो? अपने घर में। तो हो क्या? नहीं जी, मैं तो बिल्कुल चंगा हूँ। आपका बच्चा अलग है, कुछ बच्चे होते हैं बहुत इंटेलिजेंट, कुछ होते हैं नॉर्मल, मोना सिंह नॉर्मल से कम, जैसे आपका लाल। मैं ले लेता हूँ। ओए तो अपना काम कर, वो खुद उठाएगा। किसी से कम नहीं है तू, बाकी बच्चों जैसा ही है, मैं जो किया है वो हमेशा याद रखी। कुछ लोग विश्वास नहीं करते पर जिंदगी में चमत्कार होते हैं जी। हाँ खरीदी अपनी तकदीर होती है, सारा कुछ लिखा होता है, मैं नहीं पता कितने लिखा है सब, किसने लिखा है और क्यों लिखा है जो लिखा है। रूपा मेरे साथ ब्याह करेगी? तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो लाल, लेकिन हमारा कुछ नहीं हो सकता। मम्मी कहती थी कि जिंदगी गोलगप्पे जैसी होती है, पेट पले ही भर जावे मन नहीं भरता। क्या पता हमने है कहानियां है कहानी में ऊपर August 11th, it's not that far. This was a pretty sweet trailer, yeah. Obviously, this is Forrest Gump. I mean, we have already seen Forrest Gump, but I really like this interesting take ki jo main character use, you know, Sikh bana ke portray kiya ja raha hai. Very interesting take. And maine ye cheez notice kari, I'm not sure agar aap mujhse agree karenge ya nahi karenge, lekin jo main character jis tarike se isme Lal Singh Chaddha ka dikhaya hai, mujhe aisa lag raha hai that it is like a mixture of
कुछ सीन्स में ऐसा लग रहा है जैसे आमिर खान ने वो अपना पीके वाला जो कैरेक्टर है, जिस तरीके से आंखें हैं चार्ल है वो करा है, और एक तरफ जो धूम थ्री में जो दूसरा वाला भाई होता है, समर होता है, क्या नाम होता है, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, कौन क्या कैरेक्टर का क्या नाम होता है, पर एक जो यू नो एक तो मेन मास्टरमाइंड वाला भाई होता है और एक दूसरा भाई होता है जो यू नो हु इज कंसिडर्ड एज अ वीक लिंक, उन दोनों का मिक्सचर लग रहा है मुझे, दैट वन ब्रदर फ्रॉम धूम थ्री एंड देन द पीके कैरेक्टर, उनको अगर मिक्स करो सो आई थिंक इस तरीके का कुछ बनेगा, ऐसा कुछ मुझे लग रहा है. सो आई एम नॉट रियली श्योर कि यू नो ट्रेलर में मुझे थोड़ा सा वियर्ड लगा, आई एम नॉट श्योर कि जब मैं मूवी देखूंगा तो क्या कैसा लगेगा, बट अगेन जैसा मैंने बोला आमिर खान की मूवी है सो एक्सपेक्टेशंस आर रियली हाई, एंड ट्रेलर से ही मुझे पता चल रहा है कि ये मूवी मुझे रुलाने वाली है, ये मूवी मुझे एक्साइट करने वाली है, इस मूवी में बहुत कुछ होने वाला है, एंड यू नो आई हैव दैट काइंड ऑफ फीलिंग कि इसकी स्टोरी इज गोइंग टू बी वेरी 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 यू नो इम्पैक्टिंग, बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेगी ये मूवी. बट अगेन बस एक चीज़ है जो हल्की सी, बहुत हल्का सा हो सकता है मैं नेट पिकिंग कर रहा हूँ इस टाइम पे, लेकिन जैसा मैंने बोला जो कैरेक्टराइजेशन है, जिस तरीके की एक्टिंग मैं इस टाइम पे देख रहा हूँ एंड दिस इज स्ट्रिक्टली ऑन द बेसिस ऑफ द ट्रेलर, हो सकता है मूवी में अलग हो क्योंकि ट्रेलर को जिस तरीके से एडिट किया जाता है, जिस तरीके से दिखाया जाता है, वो मूवी के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा अलग हो सकता है, और कई सिचुएशन में ऐसा हुआ है ऑलरेडी और हो भी सकता है आगे, बट सिर्फ और सिर्फ अगर ट्रेलर पर्सपेक्टिव से देखूँ आई एम नॉट फीलिंग मच ऑफ दैट कैरेक्टर. ठीक है, जो यू नो सारा कुछ दिखाया है लाल सिंह चड्ढा का, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने ये करते हुए आमिर खान को पहले देखा है, जैसे मैंने बताया धूम थ्री या फिर पीके में जिस तरीके का यू नो एक भोला कैरेक्टर जिसकी आंखों में हमेशा एक यू नो क्या बोलते हैं उसको, एक एक तरीके का वंडरमेंट है उसकी आंखों में, ही वॉन्ट्स टू यू नो लर्न थिंग्स, उसे जानना है हर चीज़, ही हैज दैट काइंड ऑफ एक्साइटमेंट, एक चुलबुलापन उसकी आंखों में. सो वैसा मैंने ऐसा लगा है कि जैसे वो पीके में पीके से वो लिया है, जिस तरीके का बिहेवियर इसमें दिखा रहा है, जिस तरीके का यू नो चाहे वो बचपन का हो या चाहे यू नो एडल्ट का, जिस तरीके से उसका भागने का तरीका है, जो भी है, जिस तरीके से वो अपने शोल्डर्स ऐसे करके कर रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे वो धूम थ्री वाला बीच में से यू नो वो लेके आए वहाँ पे. सो आई एम नॉट श्योर कि हाउ टू फील अबाउट इट अभी के लिए, आई एम नॉट फीलिंग इट, लेकिन आई एम श्योर कि जब मैं मूवी देखूंगा तो वो चेंज हो जाएगा, बट अगेन इट्स जस्ट अ स्पेकुलेशन, अब वैसा हो ना हो नहीं कर सकते, लेकिन ट्रेलर के लिए आई एम प्रीटी श्योर दैट यू नो वो हल्का सा मिस लग रहा है मुझे. आई वॉन्टेड टू सी, या तो मे बी मेरी एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा हाई है बिकॉज इट्स यू नो इट्स एन आमिर खान मूवी, तो मेरी एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा हाई है कि मुझे कुछ अगर नॉर्मल अच्छा भी दिख रहा है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं दिख रहा, अच्छा भी दिख रहा है, तो वो मुझे फील नहीं आ रहा है. बट इट इज़ व्हाट इट इज़, जैसा मैंने जैसा मुझे लगा मैंने आपको बताया. बट आई रियली होप कि ये मूवी चले, ये मूवी पसंद आए लोगों को, और ये मूवी ज़बरदस्त तरीके का काम करे लोगों के दिलों में, क्योंकि लास्ट मूवी जो थी आमिर खान की, दैट वॉज अ ह्यूज फ्लॉप. सो आमिर खान यू नो एज एन एक्टर, यू नो एज अ परफॉर्मर, उसे इसकी बहुत ज़रूरत है, ये मूवी चलने की बहुत ज़रूरत है इस टाइम आमिर खान को. ये मूवी नहीं चली सो बहुत दिक्कत हो जाएगी आमिर खान को. सो आई रियली वॉन्ट दिस मूवी टू वर्क, बट यहाँ लगनी चाहिए. जब तक मूवी यहाँ नहीं लगेगी ना, फील नहीं आएगा. दैट हैपन्ड इन दंगल, दैट हैपन्ड इन थ्री इडियट्स, दैट हैपन्ड इन तारे ज़मीन पर, यू नेम इट, इट हैपन्ड एवरी टाइम, दैट हैपन्ड इन गजनी, एंड पता नहीं आप लोगों के लिए लेकिन मेरे लिए इट हैपन्ड इन सीक्रेट सुपरस्टार एज वेल. कुछ मोमेंट्स में वो मूवी यहाँ लगती है, सो एटलीस्ट मुझे लगती है, बट आई एम रियली कॉन्फिडेंट कि ये मूवी भी यहाँ लगेगी. नॉट ऑल द टाइम, तो कुछ तो ऐसे इंस्टेंसेज होंगे जिसमें हम लोग रोएंगे, मैं तो रहूँगा, सो दैट्स व्हाट आई फील लाइक. बट यू टेल मी योर थॉट्स, आप मुझे बताइए अगर आप मुझसे एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, जो भी आपके थॉट्स हैं, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो. एंड ये वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिए इस वीडियो को. अगर आप ऐसे वीडियोस और देखना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए चैनल को. इफ यू वांट कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह वगैरह, सारे लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है. मेरा एक दूसरा चैनल है जो एक गेमिंग चैनल है, जिसमें मैं अभी गॉड ऑफ वॉर खेल रहा हूँ प्लेस्टेशन 5 पे फेस कैम के साथ. सो आप मुझे भी देखेंगे वो गेम खेलते हुए. सो अगर आप लोग इंटरेस्टेड है वैसे गेम प्ले वॉक थ्रू वाले वीडियोस में, सो उस चैनल का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है. दैट चैनल रियली नीड्स योर सपोर्ट, सो प्लीज डू चेक इट आउट अगर आपके पास टाइम हो तो. एंड दैट्स प्रीटी मच इट, जल्दी मिलूंगा आप लोगों से एक नई वीडियो के साथ. टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ.